फ्रेंड्स, आप सभी का मेरे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। कैसे हैं आप? और अभी मैं मार्केट जा रही हूँ तीज के लिए। जो साड़ी ली है ना, वो साड़ी का ब्लाउज सिलने के लिए और फाल पीको करने के लिए दे आऊँ, क्योंकि अब ज़्यादा टाइम नहीं है। आज जो है दिन है गुरुवार और आज से 7 दिन सिर्फ रह गया है तीज, तो जल्दी दूँगी तभी जल्दी मिलेगा, इसलिए थोड़ा टहल भी लूँगी। और घर में बैठे बैठे जो है वो गैस भी बन जा रहा है, काम भी ज़्यादा नहीं कर पा रही हूँ ना, क्योंकि छोटी वाली सिस्टर सब कर दे रही है। गैस बन जा रहा, देखिए बारिश हो गया, मौसम भी देखिए बदरी है, लेकिन फिर भी जो है गर्मी लग रही है। हो सकता है दवा खा रही हूँ इसके लिए, मुझे इतना पसीना हो रहा है, तो इसीलिए टहल भी दूँगी और ब्लाउज दे दूँगी और चूड़ी का ऑर्डर दे दूँगी, क्योंकि मैं मार्केट नहीं जाती हूँ, यही ज़्यादा दूर नहीं, थोड़ी दूर पे ही दुकान है, वो सब कुछ देती हैं, चूड़ी कंगन मतलब ब्लाउज़ वगैरह भी सिलती हैं, तो उन्हीं को मैं दे दूँगी। और आज मैं आप लोग को एक चीज़ दिखाऊँगी, आज कान्हा जी का छठी है ना, तो बच्चे कुछ प्रोग्राम की तैयारी कर रहे हैं, तो वो मैं आपको दिखाने वाली हूँ। तो आप मुझे कमेंट करके बताइएगा कि बच्चों ने कैसा किया है। और छवि भी एक डांस करेगी उसमें, तो अभी मैं छवि को भी तैयार करूँगी। पहले मैं मार्केट से आ जाती हूँ, साड़ी दे आऊँ, क्योंकि ज़्यादा समय नहीं तीज के लिए इसलिए। और हम और लक्ष्मी जा रहे हैं, ये देखो लक्ष्मी, देखिए लक्ष्मी भी तैयार हो गई है मैं, और अभी मैं मिलती हूँ आकर। हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे, आप सभी का मेरे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। और अभी मैं उस दुकान पे आई हूँ जहाँ से मैं चूड़ी कंगन ये सब लेती हूँ, तो मैंने सोचा कि आज मैं आप लोग को दिखा दूँ ये दुकान। और ये दुकान हमारे घर के बहुत पास है, ज़्यादा दूरी पे नहीं है। चाहे इस कलर का कंगन मिल जाए, चाहे इस कलर का कंगन, और चूड़ी इस कलर का मेटल वाला। और तीज के लिए मैं चूड़ी कंगन का ऑर्डर दे रही थी कि जिस कलर की साड़ी है उसी कलर का चूड़ी कंगन लेकर आइएगा। देखिए क्या लाती हैं वो। और अभी आ गई हूँ घर पे, तो छवि का मैंने मेकअप शुरू कर दिया, वो खुद से ही सारे मेकअप निकाल के कर रही थी, तो मैंने सोचा कि मैं थोड़ा अच्छे से कर दूँगी। और पहले मैंने इसके चेहरे पे मॉइस्चराइजर क्रीम लगाया है और हल्का सा मैंने पाउडर लगाया है, कोई मैंने फाउंडेशन या कंसीलर वगैरह मैं नहीं अप्लाई की हूँ, क्योंकि बच्चों के जो स्किन होते हैं बहुत नाजुक होते हैं, तो मैंने सिर्फ इसको मॉइस्चराइजर क्रीम, उसके बाद मैंने जो पाउडर आता है पॉन्स का वो पाउडर मैंने हल्का सा लगा दिया है, और फिर आईलाइनर हल्का सा आई शैडो लगा देती हूँ और लिपस्टिक लगा देती हूँ, ज़्यादा मेकअप मैंने नहीं किया है इसका, और एक काली बिंदी लगा देती हूँ क्योंकि इसे नज़र ना लग जाए, इसलिए मैंने इसे काला बिंदी लगा दिया। तो ये देखिए फ्रेंड्स, छवि का मैंने मेकअप कर दिया है, अब इसे बाल बना देती हूँ थोड़ा सा, तो देखिए कितनी प्यारी लग रही है ना ये। बैठो जा बैठ। और ये देखिए मैं आपको दिखा दूँ, सारे पिटारे खुले हैं मेरे, ये सारे जो है मेरे मेकअप के हैं कलेक्शन, ये देखिए, ये देखिए सारे। तो लेकर ये बैठी थी तो मैंने बोला खिलाओ, मैं मेकअप कर देती हूँ, आओ इधर आओ। अब ये जो लहंगा है ना, ये लहंगा क्षमा की शादी का है, देखिए बैठो ठीक है, बहुत प्यारी लग रही है ना मेरी गुड़िया। अब मैं इसका बाल बना देती हूँ, एक स्टाइल फिर मामती का बना दूंगी, तो पूरी ये राधा रानी लगेगी, जैसे राधा रानी थी। तो फ्रेंड्स, मैंने उसकी सिंपल सी चोटी बना दी थी, बीच में एक मांग फाड़ा था, थोड़े थोड़े बाल मैंने आगे के छोड़ दिए थे, और पोनी के बाद बस वही बाल को मैं उठा के और फोल्ड करके मैं चिमटी लगा दे रही थी, और फिर मैंने इसे एक मांग टीका पहना दिया, और ये बहुत सुंदर लग रही थी जब मांग टीका लग गया था तब। और पोनी का जूड़ा बनाकर मैंने उसमें एक नकली जूड़ा था उसे लगाकर, और मेरे पास वाइट कलर के 2 रोज़ थे, वो मैंने रोज़ लगा दिए थे। और अब आप छवि का फुल लुक देखिए, लहंगे के साथ पूरे मेकअप के साथ कैसी लग रही है। और फ्रेंड्स, मैं छवि के बालों को चेक कर रही थी कि कहीं डांस करते वक्त
उसका जो जूड़ा है वो खुल ना जाए, तो मैं उसे फिर से चेक कर रही हूँ। जो है ना छवि को मैंने तैयार कर दिया। ये देखिए हस्बैंड ने मुझे पाउडर लगा दिया, अच्छा नहीं लग रहा है, गर्मी हो रही थी तो इसलिए उन्होंने लगा दिया। और छवि बहुत प्यारी लग रही थी, और आप भी मुझे बताइएगा मेरी बेटी कैसी लग रही थी आज। बिल्कुल राधा रानी लग रही थी। वो दुपट्टा मैंने इसलिए नहीं लगाया ना, क्योंकि दुपट्टा वो लगा के इतना खेलती थी कि दुपट्टा फट गया और दुपट्टा को जो है वो फेंकना पड़ा। इसलिए मेरे पास ऐसा कोई अभी दुपट्टा नहीं है जो लहंगे से मैच करे। और जो डांस है ना, उस डांस में भी दुपट्टे का कोई रोल नहीं है, है पर बच्ची है, चल जाएगा, बड़े लोग का तो है नहीं। तो अभी जो मैंने मेकअप किया है वो सारे सामान मैं लगा देती हूँ। फिर अभी हमें भाभी के घर पे जाना है, लक्ष्मी खाना बना रही है। मैं एक मिनट दिखाती हूँ लक्ष्मी क्या कर रही है। और यहाँ पर लक्ष्मी बर्तन माँज रही है, छवि गई है। लक्ष्मी तुम्हारा काम हो गया, हाय बोल दो फ्रेंड्स। इतना सारा बर्तन है, सारा काम तो यही कर दे रही है। और अभी मैं उसे तैयार करके उसे भेज दी हूँ, और अभी मैं रख लेती हूँ। बाकी देखिए पूरे सामान बिखरे हुए हैं, तो मैं सभी को रख लेती हूँ ना, फिर मिलती हूँ आप लोग से, क्योंकि हमें भी बुलाई हैं। पर मैं यही पहन के जाऊँगी, और बहुत ज़्यादा भीड़ नहीं होगा, आसपास के ही लोग आएंगे थोड़े से। अब बच्चों ने वैसे डांस सोचा था करने के लिए, तो मैं सभी का डांस अगर रिकॉर्ड करके डालूँगी तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। तो मैं छवि का दिखाऊँगी आपको, थोड़ा थोड़ा सबका भी दिखा दूँगी। तो अभी मैं सब कुछ रख लेती हूँ। फ्रेंड्स आप प्लीज़ मेरी मेहनत को समझने की कोशिश करिए, मैं बहुत मेहनत करती हूँ। क्या कारण है कि हम लोग इतना वीडियो डाल चुके हैं फिर भी अभी तक कोई एक वीडियो भी वायरल नहीं हुआ है, इस चीज़ की नाराज़गी मुझे है। मैं भी बहुत मेहनत करती हूँ, सब न्यू यूट्यूबर जो है ना, न्यू यूट्यूबर वो बहुत मेहनत करते हैं, पर पता नहीं क्यों हम लोग का वीडियो वायरल नहीं होता है। क्या कमी होती है? हमारे हिसाब से तो कोई कमी नहीं होती है, जो बाकी लोग दिखाते हैं वही हम भी दिखाते हैं, अपना रियल ज़िंदगी जो है वही आप लोग के सामने लाते हैं। पर क्यों नहीं वायरल होता ये मुझे नहीं पता। तो प्लीज़ मेरी वीडियो को आप सब मुझे सपोर्ट करिए, और मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए, शेयर करिए, और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करिए प्लीज़ फ्रेंड। हम लोग भी बहुत मेहनत करते हैं, बहुत ज़्यादा मेहनत होता है वीडियो बनाने में, ऐसा नहीं है कि बस थोड़ा काम है, बहुत काम होता है। वीडियो बनाइए, घर को मैनेज करिए, मैंने आगे भी आपको बताया है कि बहुत सारे काम होते हैं वीडियो बनाते वक्त, तो सबको देखना पड़ता है, घर परिवार बच्चे उनको देखते हुए हम ये काम करते हैं। बस ये है कि बाहर नहीं जाते, घर में करते हैं, लेकिन बाहर से कम ये वर्क नहीं है। काम हमारा जो एक घंटे में होना हो वो दो घंटा ढाई घंटा लग जाता है, कैमरे को सेट करने में, फिर अपना काम करो, फिर कैमरे को देखो कहाँ क्या करना है, फिर एडिट करते समय भी दो ढाई घंटे लग जाते हैं, अपलोड करने में भी नेटवर्क कैसा है नहीं है, पूरा दिन जान जाइए यूट्यूब में ही जाता है। रात को भी 11-12 एक बज जाता है यूट्यूब का काम करते करते, पर पता नहीं क्यों नहीं हम लोग का वीडियो वायरल होता है। इस चीज़ की मुझे बहुत ही जो है गुस्सा है, पर क्या करूँ, लगी हूँ, देख रही हूँ क्या हो सकता है। मैंने तो अपनी तरफ से पूरा कोशिश किया है, पूरा प्लस पॉइंट अपनी तरफ से दे रही हूँ, पर देखिए आगे क्या होता है। तो छवि जो है वो गई पड़ोसन के घर पे, वहाँ पे वो लोग अभी थोड़ा प्रैक्टिस करेंगे डांस का। और अभी मैं ना सब कुछ रख लूँ, सब फैला हुआ है ना छवि का मेकअप करने के बाद, तो मैं रख लेती हूँ। तो फ्रेंड्स वीडियो अगर पसंद आया हो तो उसे लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। आप सब लाइक नहीं करते हो और मेरे चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा, बेल आइकन का बटन प्रेस कर दीजिएगा, ताकि आप सभी को मेरे न्यू वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहे। और मेरे सभी वीडियो को फुल वॉच करिएगा फ्रेंड्स। उन्होंने कैसे अपने घर को सजाया है, लक्ष्मी बोल रही है ना कि दी अभी मैं तैयार नहीं हूँ, मुझे मत सामने लाओ। तो मैं जिधर भी घूम रही हूँ ना वो आ जा रही है, तो वही वो इधर उधर जा रही है। तभी मैं उनके घर का आपको डेकोरेशन दिखाऊंगी कि आज कैसे वो हर साल छठी करती हैं कान्हा जी का, अपनी श्रद्धा से उनको जैसा अच्छा लगता है वो अपने तरीके से करती हैं। तो अभी मैं चल रही हूँ, दिखा रही हूँ आपको। अरे छवि कह रहे हैं लक्ष्मी भी तैयार होकर आ गई है, देखिए आ लक्ष्मी, ये देखिए कितनी प्यारी लग रही है ना इस ड्रेस में, ये देखिए शर्मा रही है। अभी हम चलते हैं सामने, मैं कोई सा भी स्लीपर पहन ले रही, तुम भी कुछ भी पहन लो, बड़ी ही जाना है ना, आओ। तो मैं आपको दिखाऊंगी उनका डेकोरेशन, ठीक है। ये बैलून वैलून लगा है, आओ
बैलून से पूरा डेकोरेट कर दिए हैं घर को, देखिए। बच्चे ही किए हैं, ये देखिए रूम भी सजा दिए हैं सब लोग अपना अपना। करे भाभी तो ये देखिए बच्चे सारे रेडी हो गए हैं, ये देखिए ये सिट्टो है, छवि है और क्या नाम है सोना है। अभी सब बच्चे डांस करेंगे, हाय बोलो भाई। अब भाभी अपने किचन में भी तैयारी कर रही हैं, हाय बोलिए भाभी। अभी थी अभी बाद में दिखाएगी, मैं कान्हा जी का दर्शन करा देती हूँ आप लोग को। कान्हा जी बैठे हैं ना, ये देखिए सब दिव्यांश जो है ना डेकोरेट किया है पूरा, देखिए कितना खूबसूरत किया है, देख लो इसमें। ये देखिए माखन बनाया है मैंने तो अभी देखा ही नहीं, ये देखिए। और ये देखिए कान्हा जी हैं, इनके दर्शन कर लीजिए आप। ये देखिए कान्हा जी, तीन कान्हा जी हैं, तीनों लोग को आसन पे बैठाया है। और अभी प्रोग्राम शुरू होगा तो फिर मैं आपको दिखाती हूँ। I'm gonna be a star.